हेलो दोस्तों, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रस मेंबर की, ये ट्रस स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो ट्रस स्ट्रक्चर होते क्या हैं? ट्रस स्ट्रक्चर जो वो स्ट्रक्चर होता है जिसके मेंबर्स में ओनली कंप्रेशन और टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, एक ट्रस स्ट्रक्चर है और इसके जो मेंबर हैं वो ट्रस मेंबर हैं। तो इन मेंबर्स के अंदर केवल टेंशन और कंप्रेशन फोर्स होगा और बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टैट प्रो में कैसे ट्रस स्ट्रक्चर बनाते हैं वो चेक करते हैं। तो स्टैट प्रो में मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, स्पेस ट्रस। देखिए, आप ट्रस यहाँ से भी जा सकते हैं, ट्रस और स्पेस में भी जाके ट्रस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट तो मैं एक ट्रस मेंबर बना लेता हूँ। ये एक ट्रस स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, सपोर्ट लगा देते हैं, पिन एंड रोलर। पिन यहां पे लगा देते हैं और रोलर यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इस पे कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं। तो डिफाइन, ऐसा करते हैं हम स्टील सेक्शन ले लेते हैं। तो उसके लिए जाते हैं हम सेक्शन डाटाबेस में और यहाँ पे हम इंडियन एंगल ले लेते हैं, कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं क्लोज और इसको असाइन कर देते हैं। 3D में देखते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये एंगल प्रोवाइड कर दिया हमने, उसके बाद कुछ इसको लोड दे देते हैं, जैसे कि सेल्फ वेट, डेड लोड दे देते हैं। डेड लोड के अंदर सेल्फ वेट प्लस कुछ जॉइंट लोड दे देते हैं। ठीक है, 10 किलोन्यूटन का। तो सेल्फ वेट असाइन टू व्यू, जॉइंट लोड भी लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको एनालाइज करते हैं। डन, चेक करते हैं इसमें एक्सियल फोर्स आ रहा है, ये एक्सियल फोर्स का आइकन है। शियर फोर्स भी आ रहा है, शेयर फोर्स इन जेड भी आ रहा है, कम आ रहा है। मोमेंट एम एक्स, मोमेंट एम वाई और मोमेंट एम जेड आप देख रहे हैं, मोमेंट भी आ रहा है। मैंने क्या किया है, अभी इसके डायग्राम को मोमेंट बहुत कम आ रहा था तो मैंने एनहेंस करने के लिए डायग्राम कंट्रोल प्रेस किया और स्क्रॉल को घुमाया। और दोबारा देखिए, हम डायग्राम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने कहा था कि बेंडिंग में डायग्राम आता नहीं है, फिर ये कैसे आ गया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेंडिंग में डायग्राम आता नहीं है, बेंडिंग में डायग्राम ट्रस स्ट्रक्चर में जीरो होता है और यहाँ पर तो शो कर रहा है। इसका मतलब अब ये स्टैट प्रो को नहीं पता कि ये ट्रस है, इसको ट्रस की तरह एनालाइज करना है। तो हमें क्या करना है, इसको ट्रस बनाने के लिए एक इसको कमांड देनी होगी। वो कमांड कहाँ आती है, आपकी जनरल, उसके बाद स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जनरल के बाद आप जाएंगे स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप, हम किसकी बात कर रहे हैं, बीम्स की, मेंबर्स की, हम यहां पे मेंबर्स पे क्लिक करेंगे।
जब मेंबर्स पे बीम पे क्लिक करता हूँ तो इसमें आता है एक टैब आपका ट्रस्ट का, कॉर्नर वाला टैब, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे सीधा ऐड पे। मैंने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ गया है आपका ट्रस्ट, मेंबर ट्रस्ट। इसको अप्लाई करना है हमें सभी मेंबर पे, ठीक है। तो मैंने असाइन टू व्यू कर देता हूँ सारे मेंबर ट्रस्ट के हैं आपके। मान लीजिए आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में का कोई पार्ट ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, मान लो टॉप पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जब आप बिल्डिंग को एनालाइज करेंगे तो जो ट्रस्ट है ये आप किसको देंगे, इतने स्ट्रक्चर को, इसको ये ट्रस्ट कमांड देंगे, पूरे स्ट्रक्चर को नहीं देंगे। अभी हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ट्रस है, तो इसलिए मैं पूरे को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने असाइन टू व्यू कर दिया, अब सभी पे ट्रस आ गया। अब दोबारा हम एनालाइज करते हैं, देन अब बेंडिंग मोमेंट चेक करें, ये बेंडिंग मोमेंट है, तो अब बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा है। देखिए मैं कंट्रोल दबा के स्क्रॉल घुमा रहा हूँ तो एनहेंस भी नहीं हो रहा है हमारा डायग्राम, क्योंकि डायग्राम आ ही नहीं रहा। अगर मैं डबल क्लिक करूँ बीम मेंबर पे और यहाँ पे जाऊँ पेंटिंग, देखिए क्या आ रहा है लिखा हुआ, सेलेक्टेड मेंबर्स डिफाइंड एज ए ट्रस्ट मेंबर, बेंडिंग एंड शियर रिजल्ट विल नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी हमारा ट्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिफ्लेक्शन आएगा इसमें, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे ट्रस मेंबर है, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो एक्चुअली होगा ना, मेंबर में स्ट्रेचिंग जो होगी। क्लोज कर देते हैं, एक्सियल फोर्स आएगा, ये देखिए एक्सियल फोर्स आ रहा है। अगर एक्सियल फोर्स की आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग, देन इसको बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को, डिफ्लेक्शन हटा देते हैं। एक्सियल फोर्स पे मैंने क्लिक किया, रिजल्ट व्यू वैल्यू, और हमें बीम के क्या चाहिए, एक्सियल फोर्स। ये देखिए एक मेंबर का चेक करते हैं, न्यू व्यू, ओके, इस मेंबर में जीरो फोर्स आ रहा है, कुछ तो मेंबर्स होते हैं ना जीरो फोर्स के, इसमें देखते हैं। इसमें कुछ वैल्यू होगी, दोबारा रिजल्ट व्यू वैल्यू बीम एक्सेल, यहां पे कुछ फोर्स आ रहा है, ये एक्सेल फोर्स। सपोर्ट रिएक्शन देख लेते हैं, डायग्राम कुछ बड़े हो गए हैं, ये डायग्राम बहुत बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं हो रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ जाएंगे आप सिंबल एंड आइकन्स पे, स्केल, ये रिजल्ट में जाएंगे क्योंकि हम रिजल्ट की जो है डायग्राम उसकी बात कर रहे हैं, और ये रिजल्ट क्या है, एक्सियल फोर्स, इसकी वैल्यू को हम बढ़ा के देखते हैं, और यहाँ पे जरूर क्लिक करिएगा आप, तभी वो चेंज आपको दिखाई देगा। ये देखिए अब हो गया छोटा, ठीक है। रिएक्शन चेक कर लेते हैं, हमने जो फोर्स लगाया था वो 10 10 10 लगाया था, तो 30 15 15 रिएक्शन होनी चाहिए यहाँ पे, है ना, विद सिमेट्री है तो हाफ हाफ हो जाएगा टोटल लोड का, देखते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाना होता है, उसके बाद नोड, फिर नोड से आपका रिएक्शन, ठीक है, ये आ गया। तो ये 15 आना चाहिए था, 15.298 आ रहा है, क्योंकि इसमें सेल्फेट भी है स्ट्रक्चर का अपना एक सेल्फेट भी है। तो ये है आपके ट्रस स्ट्रक्चर, क्योंकि पिन और रोलर सपोर्ट है तो बेंडिंग में जीरो है, और वर्टिकल लोड और सेल्फ वेट भी ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, तो इसलिए आपका केवल एफ वाई रिएक्शन डेवलप हुई है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड। थैंक यू आज की वीडियो के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब आप मोबाइल में यूट्यूब पर ये वीडियो देखते हैं ट्यूटोरियल, तो बहुत इजी सी कुछ सेकंड्स में आप शेयर कर सकते हैं,
फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।